नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे। मैं हूं आपका मेंटोर शिवांश पसी। जिस तरीके से आज हम लोगों ने मार्केट को देखा, मार्केट बहुत अच्छे तरीके से हमारे लेवल्स तक रीच करी, हमें एक एंट्री पॉइंट दिया मार्केट ने सेल ऑफ के लिए एंड एक बाय पॉइंट दिया बाय करने के लिए। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कल लेवल बताए थे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर हम लोगों को किस तरीके से शॉर्ट करना है शुरुआत पे एंड लॉन्ग जाना है बिल्कुल आखिरी पे, और वही चीज पैटर्न फॉलो हुआ। पूरा सपोर्ट आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड हुआ होगा, जहां पर मैंने आप लोगों को सेटअप्स भेजे थे कि एक सेल ऑफ स्टार्ट होने वाला है, एक फॉल आने वाला है एंड उसी लेवल से मार्केट पे एक फॉल आना स्टार्ट हुआ था। स्टॉक्स भी थोड़े बहुत अच्छे परफॉर्म करे, थोड़े अच्छे नहीं करे, तो डेफिनेटली हम 5 स्टॉक्स इसीलिए प्रोवाइड कराते हैं कि आपका विन और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल उसी तरीके से रहे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि मार्केट किस तरीके से और रिएक्ट कर सकती है, बिकॉज राइट नाउ मार्केट इज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज। अब मार्केट किस तरीके से फर्दर एक्ट कर सकती है उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे एंड कौन से स्टॉक्स पर हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप लोग मेरा ट्रेडिंग सेटअप देखना चाहते हैं जो मैं बना चुका हूं। मुझे ज्यादातर कंपोनेंट्स के बारे में तो पता नहीं है, बट डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश जरूर करूंगा आप लोगों के साथ, सो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए आइए वीडियो में बढ़ते हैं एंड हम लोग मिलते हैं आखिरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, दैट इज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सो पंजाब नेशनल बैंक पे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर का पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है एंड आप यहां पर देखिएगा, सिंपल एनालिसिस से बताऊंगा और मेरे पास थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर आप जब डेली चार्ट्स पे एनालिसिस करते हो क्या आप डेली चार्ट को ही फॉलो करते हो, आप लोअर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस भी नहीं करते? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करता हूं, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम को भी स्टडी करता हूं, मैं 15 मिनट को भी स्टडी करता हूं एंड मैं 5 मिनट को भी स्टडी करता हूं, बट मैं आप लोगों को डेली चार्ट्स पे ही बताता हूं, मैं सारे टाइम फ्रेम्स पे स्टडी करने के बाद ही आप लोगों को डेली चार्ट्स पे रिकमेंड करता हूं। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी इस वीडियो पे, आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को डेली चार्ट्स एंड 1 आवर के चार्ट्स पे भी एक्सप्लेन करूंगा कि कब बाय एंट्री करी जाती है, किस लेवल पे मैं आप लोगों को बाय सजेस्ट करता हूं, क्या लॉजिक होता है। चलिए चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक है पीएनबी। क्लियर बेसिस पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कप एंड हैंडल भी आप कहना चाहे तो कह सकते हैं, उसका क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट, सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। प्लस अगर मैं आप लोगों को इसको भी इग्नोर हम लोग कर देते हैं, आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे आया, क्लियर समझना बहुत ईजी में समझाऊंगा, स्टॉक नीचे आया इस लेवल से बाउंस करा, तो एग्जैक्ट इस लेवल से इसे सेलिंग प्रेशर मिला, तो मतलब ये इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ और ये इसके लिए सपोर्ट हुआ। क्लियर हो गया, स्टॉक दोबारा नीचे आया, जो पहले सपोर्ट था एग्जैक्ट इसने सपोर्ट दूसरा बनाया, उधर ही S2 कह सकता हूं उसे, और ऊपर गया। अब उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जब दोबारा ऊपर गया तो जो पहले इसके लिए R1 था वो इसके लिए R2 दोबारा हो गया, रेजिस्टेंस जो था वो दोबारा रेजिस्टेंस था, दोबारा नीचे आया। अब आप देखिएगा जो ये वाला रेजिस्टेंस था ये बन गया इसके लिए सपोर्ट, क्योंकि जब रीटेस्ट करा और इसी लेवल से ऊपर गया ना, जो पहले यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा था अब इसी लेवल पे बाइंग आ रही है, कंसेप्ट समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कप एंड उसका एक हैंडल एंड उसका क्लियर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। सो यस, यहाँ पर हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। लेट मी गो टू अ अर्ली टाइम फ्रेम और वहां पर मैं आपको वो क्लियरली दिखाता हूं। से जस्ट वेट अ सेकंड, यस आप यहां देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा एक शार्प अप मूव, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, फिर एक अप मूव, फिर एक रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद दोबारा ऊपर जा रहा है। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, अगर मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन बना के दिखाता हूं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं। ये बताइएगा जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ये बनी है, इसका जो ओपन है मतलब सॉरी जो इसका जो क्लोज प्राइस है, क्या क्लोज प्राइस के ऊपर अभी तक स्टॉक ने कोई क्लोजिंग दी है, कोई भी कैंडल ने आफ्टरवर्ड कैंडल ने क्लोजिंग दी है? आई डोंट थिंक सो। देखिए ये आफ्टरवर्ड कैंडल बनी है, क्लोजिंग नहीं मिली इस क्लोजिंग के ऊपर, इसमें भी नहीं मिली, इसमें भी नहीं मिली एंड इसमें भी नहीं मिली। अब देखिए क्लोजिंग एग्जैक्ट सेम दी है, सो अगर कल इसके ऊपर खुलता है
और अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर, यू कैन गो फॉर अ बाय। सो यानी कि 44 रुपीस के ऊपर आप लोग एक बाय को इनिशिएट करके चल सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक ये 45.5 तक भी जा सकता है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा। और नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC लाइफ। या HDFC लाइफ में लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज़ हम लोअर टाइम फ्रेम हायर से लोअर जाएंगे। सी क्या कर रहा है ये स्टॉक, जस्ट एक जोन में और क्रिएट कर रहा हूं तो आप लोगों को और इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा स्टॉक ने क्या करा, आपको बिहेवियर समझना होगा गाइस। अगर आप बिहेवियर समझ जाएंगे तो आप लोगों को सारी चीजें अच्छी से आ जाएगी। यू हैव टू बैक टेस्ट और आपको साइकोलॉजी के बेसिस पे काम करना है, ठीक है। देखिए स्टॉक ऊपर गया, रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, फिर इसी लेवल से ब्रेकआउट दिया, फिर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, अब दोबारा उस हायर रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ये दोबारा अप मूव करेगा, उसके बाद आपको पता है कि वो क्या करेगा, उसके बाद दोबारा रेंज के अंदर जाएगा, उसके बाद अगेन ब्रेकआउट। देख सकते हैं यहाँ पर भी बुलिश मूवमेंट एक रेंज, यहाँ पर भी बुलिश मूवमेंट एक रेंज, ठीक है। तो मल्टीपल बार जब बैक टेस्टिंग और साइकोलॉजी से हमें पता चल रहा है, स्टॉक के बिहेवियर से पता चल रहा है कि यहां से अच्छी मूवमेंट आ सकती है अपसाइड की तरफ, देन वी कैन गो फॉर अ बाय। मैं इसी लेवल से बाय करने की सलाह क्यों दे रहा हूं, लेट्स गो टू अर्ली टाइम फ्रेम। अर्ली टाइम फ्रेम पे जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी रीसेट द चार्ट्स। सी यहां पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ठीक है। अब जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तब ये हायर हाइज नहीं बना रहा था, देखिए इसने कंटिन्यूअसली लोअर लोस एंड लोअर हाइज, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद बाय। आप देख पा रहे हैं फॉल, कंसोलिडेशन, अप मूव, उसके बाद अगेन ही नीचे आया। नीचे आने के बाद लेट मी ज़ूम दिस चार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। यस, अब आप देखिएगा स्टॉक कर क्या रहा है, इस लेवल से एक बाइंग आई, स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक नीचे आया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था एग्जैक्ट वहीं पर ही सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, उसके बाद स्टॉक दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट लिया और एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी मैंने आप लोगों को पीएनबी में क्या बताया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, एक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी वी कैन गो फॉर अ बाय। आवर टारगेट शुड बी दिस, दिस एंड दिस, और अगर इसका ब्रेकआउट आता तो डेफिनेटली देयर इज अ अपसाइड मोमेंटम लेफ्ट, जो हम लोगों ने अभी डेली टाइम फ्रेम पे बात करी। तो इस तरीके से हम लोग स्विंग ट्रेड्स या BTST ट्रेड्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक इज BPCL। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। या सो डेली टाइम फ्रेम पे मैं ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक बहुत बार एक बार बता भी चुका हूं, सॉरी एक ही बार बताया था। Let me make this again. Yeah. आप यहां देख सकते हैं एक symmetrical triangle के अंदर ही काम कर रहा है। This is the upper resistance trend line, जो सारे highs को test करते हुए trend line draw कर रही है। एक ये support को draw करते हुए, सारे lows को draw करते हुए एक trend line काम कर रही है। इसको हम लोग कहते हैं support, इस वाली line को हम लोग कहते हैं resistance। अब आप एक बात समझिएगा, मैं multiple बता चुका हूं, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं। कोई भी अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, उसका जो क्लोजेस्ट स्विंग हाई या स्विंग लो होता है, जब वो ब्रेक करे तभी आप लोग बाय में जाइएगा, क्योंकि वो एक सेफ्टी साइड होती है अगर आप लोगों को कम रिस्क चाहिए। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, इसी स्टॉक पे आपको दिख जाएगा, चलिए ठीक है। हमें वीडियो को लर्न करना है, उससे पहले हम लोग स्टॉक पे ट्रेड करें। सी ब्रेकआउट जो आना था, ब्रेकआउट आया इस लेवल पे, इस लेवल पे ब्रेकआउट आया, क्या मैं इसी लेवल पे बाय कर लेता? डेफिनेटली मैं बाय कर लेता, बट मैंने बाय क्यों नहीं करा, मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है अगर उसको ब्रेक करता है तो ही हमें बाय करना है। ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, क्या इसको ब्रेक करा इसने? नहीं करा, वो स्टॉक दोबारा नीचे आ गया, जोन के अंदर ही आ गया, दोबारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर आ गया दोबारा,
और आपने अगर पे यहीं पर स्टॉप लॉस लगाया होता तो आप लोग अपने लॉसेस बुक कर चुके होते और स्टॉक ऊपर चला गया। तो कंसेप्ट को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अब ये दोबारा ऊपर गया, एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे रीएंटर कर रहा है, अब ब्रेकआउट भी दे चुका है। मैं अगर आप लोगों को अर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सी दिस, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट भी दे चुका है ये, ठीक है। अब ब्रेकआउट देने के बाद अगर ब्रेकआउट के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, जैसे इस लेवल के ऊपर अगर ये चले जाता और एक कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय और आई थिंक हमें अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर सस्टेन कर लेता है, अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन को अच्छे से सस्टेन कर लेता है इस जोन के ऊपर, आई थिंक 470 480 के लेवल्स भी कहीं नहीं है विद इन अ वीक और टू वीक्स। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच करके रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टॉक इज पीआई इंडस्ट्री। जस्ट वेट अ सेकंड, पीआई इंडस्ट्री को चेक करते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सी, एक शार्प अप मूव एंड एक फ्लैग एंड पुल टाइप ऑफ पैटर्न वी आर सी, ठीक है। अब एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे ये है, अगर इसका कल ब्रेकआउट आता है डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर टाइम्स ब्रेकआउट आया था बट क्लोजिंग हमें नीचे की तरफ ही देखने को मिली है। बट इससे हमें एक चीज पता चली, अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें अगर इसी लेवल के ऊपर भी बाइंग करते हैं तो हमें टारगेट्स अच्छे मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। सेम गोज विद हियर, अगर हम लोगों ने ब्रेकआउट पे बाय करा होता तो ऑलमोस्ट हम लोगों को 20 पॉइंट्स तक के टारगेट्स मिल चुके होते। कल अगर इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक बाइंग आ सकती है। अगर मैं आप लोगों को अर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, लेट्स वेट सी। यहां पर आप देखिएगा क्या कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, उसने ऊपर ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, दोबारा वो नीचे आया, इस लेवल से दोबारा बाइंग आई, मतलब जोन के अंदर ही है। अगर इसका ब्रेकआउट देता और एक कैंडल क्लोज करती है डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए आर नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आवर लास्ट स्टॉक व्हिच इज एचसीएल टेक। एचसीएल टेक भी मैं आपको दिखाता हूं ना फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम, ठीक। कंटिन्यूअसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन अ फॉल, पुल बैक एंड अ फॉल, फिर ऊपर गया नीचे आया, इस लेवल से बाइंग आई, स्टॉक दोबारा ऊपर गया नीचे आया, मतलब अपने इसने हाई को ब्रेक करा एंड नीचे आया, अपने सपोर्ट को अभी तक ब्रेक नहीं करा। और यहां पर हम लोगों ने एक इंडिसाइसिव कैंडल देख रही है जो हमें लग रहा है कि शायद यहां से ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। एक अच्छा सा कंफर्मेशन और एक रिलायबल पैटर्न को फाइंड करने के लिए लेट्स गो टू अर्ली टाइम फ्रेम एंड चेक देयर, ठीक है। यहां पर जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो व्हाट वी आर सीइंग, देखिए बढ़िया सा एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, दैट इज ब्रेकआउट, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत स्लोली स्लोली नीचे आया, आप देख सकते हैं बहुत स्लोली स्लोली नीचे आया है। अब यहां पे आप देख सकते हैं एक इंडिसाइसिव कैंडल, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट, फिर एक इंडिसाइसिव कैंडल, फिर एक ब्रेकआउट, अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर चुका है। तो यानी कि यहां से एक बाइंग आ सकती है बट वी हैव टू बी कॉशियस। तो इस लेवल के पहले, इस लेवल के पहले कौन सा स्विंग हाई है, दैट इज दिस, इसका ब्रेकआउट होता है वी हैव टू गो फॉर अ बाय एंड आई थिंक हमें टारगेट्स यहां पर विद इन अ कपल ऑफ डेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टॉक्स की एनालिसिस हो गई है गाइस। इन स्टॉक्स को जिस तरीके से मैंने बताया, सिर्फ इन्हीं पांच स्टॉक्स को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करिएगा फॉर अ ट्रेडिंग टुमारो ट्रेडिंग के लिए, प्लस आप लोग ये चार्ट्स को ड्रॉ कर लीजिएगा जिस तरीके से मैंने ड्रॉ करा हुआ है एंड जो लेवल्स बताए हैं वहां पर अपनी एक ट्रेंड लाइन को बना लीजिए, जब भी उसके ऊपर ब्रेकआउट हो यू हैव टू गो फॉर अ बाय, ठीक है। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है निफ्टी, लेट्स ओके। सो यहां पर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये मैंने क्या बना रखा है, बट मैं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कर रहा हूं, अगर वो स्ट्रैटेजी मेरी सक्सेसफुल हो जाती है सो डेफिनेटली मैं फ्यूचर आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। उसके लिए कुछ थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ये आप लोगों को बनाने के लिए, बट कोई बात नहीं, मैं इसे रिमूव कर देता हूं, मैं बाद में फिर बना लूंगा। अब एक कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। यहां पर ये स्टॉक आपको ये इंडेक्स बता क्या रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब यहां पर तो हायर हाइज एंड हायर लोस कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा था, यहां पर ये लोअर लोस एंड लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है। प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आता है, एक सेल ऑफ आ जाती है, उसके बाद नीचे आ जाता है। अब हम लोगों को बाय के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना, बाय के लिए कब जाना मैं आपको बताता हूं। देखिए
दो तरीके हैं आप लोगों के पास, दो तरीके क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आप यहीं से बाय कर सकते हैं, एग्जैक्ट इसी लेवल से आप लोग बाय कर सकते हैं विद अ स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी पे आप लोग बाय कर सकते हैं। मैं आपको स्टॉप लॉस भी बता दूंगा, ठीक है। या फिर आपको एक ट्रेंड का रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलने दीजिए एंड उसी के बाद आप लोग बाय में जाइएगा, ठीक है। और अगर आप उस पर बाय में जाते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आई थिंक आप लोगों को अच्छे लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी भी ट्रेंड बुलिश है, मैं कह रहा हूँ एक सपोर्ट पे है। अगर यहाँ पर बाय बनाते हो कि देयर इज अ स्लाइट परसेंट चांसेस कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, और बहुत परसेंट चांसेस है कि सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रेंड। हमें ट्रेंड को ही फॉलो करना चाहिए। अभी ट्रेंड क्या दिखा रहा है, बियरिश, क्लियरली आपको दिख रहा है बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें वेट करना है और मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग एक रिस्की ट्रेडर है, अगर आप लोग इसी लेवल पे बाय करना चाहते हैं क्योंकि मंडे होगा, सैटरडे संडे ऑफ होगा, तो बीच में आप लोगों को पोजीशन होल्ड करके जानी पड़ेगी, तो मैं आपको तब भी बता देता हूं। देखिए, योर स्टॉप लॉस शुड बी दिस लेवल, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये लेवल पे, ठीक है। आप इसी लेवल पे एक एंट्री पॉइंट बना सकते हो जिस लेवल पे ओपन है, सॉरी जिस लेवल पे क्लोजिंग है, ठीक है, 150 के आसपास, उसके अंदर अंदर आप बाय बना सकते हो। इसके नीचे एक भी कैंडल 15 मिनट की क्लोज करती है, यू कैन एग्जिट योर पोजीशन, दैट इज 15040 का लेवल। 15040 के लेवल के नीचे अगर एक कैंडल 15 मिनट की क्लोज करती है, आपका स्टॉप लॉस हिट, आप एग्जिट करते हैं। बट अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, ऊपर ले आया, ऊपर ले आया, ऊपर ले आया, ऊपर ले आया, ऐसे ट्रेल करते रहो और पोजीशन को होल्ड करे रहो, ठीक है। बट अगर आप लोग एक सेफ ट्रेडर हो तो मैं आपको बता देता हूं कि ये फॉर्मेशन बने तभी ट्रेड करना। वो फॉर्मेशन क्या, मैं बताता हूं। अभी क्या कर रहा है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज, यहां पर स्टॉक है तो इसका प्रीवियस हाई क्या है, इसका प्रीवियस हाई है दिस लेवल। जब इसको ब्रेक करेगा, जब ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो आपको तब भी बाय नहीं करना। मैं आपको पूरा बता रहा हूं, जब इसे ब्रेक करके जाएगा तो एक कंफर्मेशन मिलेगा कि यार जो लोअर लो एंड लोअर हाई था, अब हायर हाई में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल चेंज होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, एक कंफर्मेशन मिला, हमें तीन कंफर्मेशन चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। उसके बाद ये दोबारा नीचे आएगा, एक बार तो रिट्रेसमेंट लेगा, डेफिनेटली नीचे आएगा। नीचे आने के बाद आप बताइएगा स्विंग लो क्या है। हमारा जो स्विंग लो है दैट इज दिस लेवल। अगर वो यहां तक आता है कोई बात नहीं, वो यहीं तक ही है, ठीक है, वो यहां पर आ जाए, वो इधर आ जाए, वो इधर आ जाए, तो हमें देखना है कि वो अपने प्रीवियस लो को बिल्कुल भी ब्रेक ना करे। वो अगर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, मैं बता देता हूं, अगर वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, और हाई को ब्रेक कर चुका है, वो हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन है। अगर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, वो हमारा दूसरा कंफर्मेशन मिल जाएगा। और थर्ड कंफर्मेशन होता है एंट्री। एंट्री कैसे लें, एंट्री ऐसे लेंगे, मैं दिखाता हूं, दिस इज हाई, दिस इज लो, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट रिट्रेसमेंट के लिए आया, नॉट रिटेस्ट, रिट्रेसमेंट। यहां पर हम लोगों ने देखा यार कोई इंडिसाइसिव कैंडल बनी, कुछ हैमर बना, कुछ इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी बना, उसके ऊपर एक कैंडल ने क्लोजिंग दी थी। गो फॉर अ बाय, गो फॉर अ बाय, ट्रेंड हायर हाइज एंड हायर लोस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे पता चल जाएगा कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा और उसके ऊपर से ट्रेंड चेंज हो रहा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड अपने हाई को चेंज कर चुका है। इट्स अ सेफ, बट आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बिकॉज आप देख रहे हो कि इस प्राइस से हल्के 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 ऊपर जा रहा है, 250 को क्रॉस कर रहा है, 100 पॉइंट्स की मूवमेंट दे रहा है, बाय क्यों नहीं कर रहा। ये होता है पेशेंसली वेट करने का जब हमें परफेक्ट ट्रेड लेना पड़ता है फॉर अ स्विंग ट्रेड, ठीक है। अगर आप लोग सेफ ट्रेडर नहीं हो, रिस्की ट्रेडर हो, गो फॉर अ बाय विद दिस स्टॉप लॉस, ये है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करें, एग्जिट योर पोजीशन, और वरना एक ये तरीका है। बैंक निफ्टी पे भी मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, बैंक निफ्टी पे मैं अभी आप लोगों को ट्रेड भी नहीं दे रहा, मैं सेटअप दे रहा हूं बिकॉज आप लोग कंफ्यूज होंगे, सो डेफिनेटली वहां पर मैं आप लोगों को सेटअप भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। बट चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, वरना मेरे चैट बॉक्स बहुत ज्यादा भर जाता है कि बैंक निफ्टी क्यों नहीं बताया। सी, ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, ठीक है, एक रेंज का ब्रेकआउट एंड अ रीटेस्ट, इसी लेवल पे रिटेस्ट दिया, इसी लेवल पे मैंने आप लोगों को शॉर्ट करने की सलाह दी थी ऑन टेलीग्राम,
निफ्टी पे भी मैंने आपको शॉर्ट करने की सलाह दी थी, जिसमें हमने 100 पॉइंट्स अर्न करे थे निफ्टी के अंदर एंड 200 पॉइंट्स अर्न करे थे बैंक निफ्टी के अंदर। टारगेट्स अचीव करें, इसी लेवल से बाउंस करके ऊपर जा रहा है, सेम गोज विद हियर, लोअर लोज एंड लोअर हाइज कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसके बाद स्टॉप लॉस इधर रखो, इधर ही बाय करके चल सकते हो विद अ स्मॉल क्वांटिटी। अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, एक डेडिकेटेड वीडियो में आप लोगों के साथ हर दिन लेकर आता हूं और यहां पर आप लोगों ने कुछ डेफिनेटली सीखा होगा। चलिए मिलते हैं वीडियो की आखिरी में एंड वहां पर बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा यहां पर। इस वीडियो में हम जो जितनी भी वीडियोस अपलोड करते हैं, सब सारी वीडियोस हमारी एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ही होते हैं। किसी पे भी आप लोगों को मैं भूल नहीं रहा कि आप जाके तुरंत बाय करिए या सेल करिए। मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का वो यही है कि आप लोग पैटर्न्स को समझे, मार्केट की साइकोलॉजी को समझे एंड बिहेवियर को समझे। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियोस आप लोगों के डेली बेसिस में अपलोड करता हूँ कि आप लोगों को पता हो कि कल ये स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो हमें पता था कि ये क्यों ऊपर जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो इसी के साथ हम डेली इस वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज हमें अपना सपोर्ट दीजिएगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।